सत श्री अकाल स्पीड न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। कांग्रेसी विधायक सुखपाल सिंह खहरा नूं पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट ने वड्डी राहत दी। अदालत ने विधायक की जमानत मंजूर कर ली है। दसनयोग है कि ड्रग्स मामले च विजिलेंस वालों सुखपाल खहरा नूं गिरफ्तार किया गया सी। इस मामले की सुनवाई अदालत चल रही थी, हुण अदालत ने उन्हां दी जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। इस दे नाल ही पंजाब पुलिस वालों सुखपाल खहरा नूं वड्डा झटका लग्या, क्योंकि पुलिस वालों सुखपाल खहरा ते इक होर मुकदमा दर्ज किया गया। हुण ओह जेल तों बाहर आउंदे ने जां नहीं, इह तां आउण वाला समां ही दस्स सकदा। कनेडा के एडमिंटन च बिल्कुल नवे खाली पे मकान च अग लगन दी घटनावां ने पुलिस नूं मुसीबत च पा दिता है। कनेडा के एडमिंटन फायर रेस्क्यू सर्विस के हवाले नाल कहा है कि 1 नवंबर तो 2 जनवरी दरमियान नवीं निर्माण अधीन रिहायशी ढांचे च अग लगन दी 9 घटनावां वापरियां ने। एक न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक किया गया कि साल फूक दी घटनावां दा कारण जबरन वसूली हो सकता है। दसिया जा रहा है कि बिल्डरां नूं फिरौती दी धमकियां मिल रही ने, पैसे ना मिलन ते बिल्डरां वालों बनाए खाली पे नवे मकानां नूं अग लाई जा रही है। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के घर एक अहम मीटिंग हुई है। इस मीटिंग फैसला लिया गया कि सोरेन फिलहाल अहुदे तो इस्तीफा नहीं देंगे। इस तो पहला खबर आई थी कि ईडी की कार्रवाई दौरान सूबे सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा मुख्यमंत्री का चेहरा बदल सकता है। कयास लगाए जा रहे सन कि हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को नवा मुख्यमंत्री नियुक्त करेंगे, पर हुण स्पष्ट हो गया कि सीएम सोरेन फिलहाल अहुदे ते बने रहेंगे। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक च किसी भी तरह की स्थिति नाल निपटण की रणनीति ते चर्चा की गई है। ईडी वालों भेजे गए समन के मामले के विच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जवाब दिता है। अरविंद केजरीवाल के वालों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। इस मौके अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट किया है कि ईडी वालों उन्होंने गैर कानूनी समन भेजे गए हैं। पूछगिछ बहाने ईडी उन्होंने गिरफ्तार करना चाहती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के राम मंदिर को बंब नाल उड़ाने की धमकी देने के मामले में पुलिस की स्पैशल टास्क फोर्स ने 2 मुलजमान गिरफ्तार किया। एसटीएफ वालों जारी बयान अनुसार एसटीएफ की टीम ने गोमती नगर के विभूति खंड इलाके तो ताहर सिंह ते ओम प्रकाश मिश्रा नामक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। दोवें गौंडा के रहने वाले ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स नंबर चैट की रेट ऑफ आई दविंदर ऑफिस हैंडल नाल पोस्ट दोवे ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एसटीएफ मुखी से अयोध्या के राम मंदिर को बंब नाल उड़ाने की धमकी दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आगामी लोकसभा चोणों के मद्देनजर शनिवार को गुजरात के तिंदरा दौरे से रवाना होंगे। आप सूत्र दसते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री 6, 7, 8 जनवरी अपने चोन दौरे दौरान जनसभावां ते पार्टी वर्करां नूं संबोधन करनगे। उन्होंने कहा कि इस दौरान जेल में बंद आम आदमी पार्टी के आगू चेतर वसावा मिल सकते हैं। इस तो पहला आप आगुओं ने इल्जाम लाया है कि ईडी आबकारी नीति से संबंधित मनी लॉन्डरिंग मामले केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है। इस दौरान केजरीवाल के गुजरात दौरे से जुड़ी यह जानकारी निकल के सामने आई है। 1997 तो 2002 दौरान मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के मुख सकत्तर रहे रमेश चंद्र सिंह ने जथेदार कौंके बारे आई बीपी तिवाड़ी रिपोर्ट बारे जानकारी ना होने की गल कही है। उन्होंने कहा कि बादल वालों कदे भी ट्रुथ एंड रिकनसिलेशन कमिशन की तजवीज उन्होंने सांझी नहीं की गई। 1997 में चोन वादा से उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई जांच रिपोर्ट की फाइल दबा के नहीं रखी, बल्कि हकीकत यह है कि उन्होंने मुख सकत्तर तक इस रिपोर्ट बारे किसी ने नहीं दसिया। साल 1997 में श्रोमणी अकाली दल वालों जारी चोन घोषणा पत्र में झूठे पुलिस मुकाबलों की जांच कराने कमिशन बनाने बारे पूछे सवाल के जवाब में कहा कि सियासी पार्टियों के मैनीफेस्टो बारे कुछ नहीं पता। ईरान में बड़ी हलचल मच गई है। 2 लड़ीवार बंब धमाकों में 53 तो वध लोगों की मौत की खबर। अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों अनुसार ये हमले अमरीकी ड्रोनों द्वारा किए गए सन, पर अजे तक इसकी पुष्टि नहीं हुई। फिलहाल इसकी जिम्मेवारी किसी ने नहीं ली है। धमाका कैरमन शहर के कब्रिस्तान नेड़े होया। कमांडर कासिम सुलेमानी इस कब्रिस्तान में दफनाया गया। घटना उदो वापरी जदों ईरान में कासिम सुलेमानी की मौत की 4वीं बरसी मनाई जा रही थी। दिल्ली के उपराज्यपाल विजय कुमार सिंघसेना ने नवीं केजरीवाल सरकार खिलाफ एक्शन मोर्च ने एल जी एक्ट तो बाद एक मामले सरकार के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश कर रही है। जाली दवाई के जंगलात विभाग के मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश करने तो बाद एल जी वी के सिंघसेना ने हुण आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक में एक अधिक मरीज द्वारा फर्जी लैब टेस्ट मामले के विच केंद्रीय जांच एजेंसी की सिफारिश की है। एल जी ने अपने सिफारिश में लिखा है कि मोहल्ला क्लीनिकों में फर्जी लैब टेस्ट करवाए जा रहे हैं। इसके लिए फर्जी या गैर मौजूद मोबाइल नंबर दर्ज करवा के मरीजों की एंट्रियां दिखाई जा रही हैं। लोकसभा चोणों के मद्देनजर वर्करां नूं शाह भरन ते आप सरकार नूं घेरन लई श्रोमणी अकाली दल ने 1 फरवरी तो सूबे विच पंजाब बचाओ यात्रा शुरू करने का फैसला किया है। पार्टी ने फैसला अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल की अगुवाई हेठ हुई कौर कमेटी की मीटिंग च लिया। इसी तरह श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पुरब नूं समर्पित 10 तो 16 जनवरी तक श्री आनंदपुर साहब तो तलवंडी साबो तक आपे गुरचेला नगर कीर्तन सजाने का भी फैसला किया। रिश्वत लैके संसद से सवाल पूछने के मामले में लोकसभा तो बर्खास्त टीएमसी आगू महू मोहत्रा को सुप्रीम कोर्ट तो अंतरिम राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने बर्खास्तगी के फैसले से अंतरिम रोक लगाने तो इनकार करते हुए कहा कि महुआ की संसद तो बर्खास्तगी बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला इतना आसान नहीं थी। जस्टिस संजीव खन्ना जस्टिस दीपांकर दत्ता के बेंच ने मोहत्रा की सदन की कार्रवाई शामिल होने की अंतरिम अपील से आदेश पास करने तो इनकार करते कहा कि इसकी इजाजत देना मुख पटिशन स्वीकार करने के बराबर हो।
बंगाल च 10 साल की बच्ची चाइनीज निमोनिया की दुर्लभ किस्म माइकोप्लाज्मा निमोनिया मिली है। बच्ची से यह बीमारी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ जांच दौरान सामने आई है। दक्षिणी कलकत्ता के ब्राउन सरौनी च रहने वाली बच्ची साह लैण च समस्या बुखार से खंघ की शिकायत तो बाद हस्पताल भर्ती करवाया गया। इतने जांच दौरान डॉक्टरों ने इस बीमारी बारे पता लगे। इस बीमारी ने उसके फेफड़िया प्रभावित किया। गुरुग्राम च गैंगस्टर संदीप गडौली की प्रेमिका के कतल का मामला सामने आया। मृतक की पछाण दिव्या पाहुजा वजो हुई है। गुरुग्राम की होटल सिटी पॉइंट से उसकी हत्या हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस भी पहुंच गई। होटल के मालिक अभिजीत के कतल का दोष है। पुलिस ने इस मामले तीन मुलजमान गिरफ्तार किया। इस अलावा दो मुलजम लाश लैके फरार हो गए। लड़की को गोली मार दी गई। सीसीटीवी मुलजम लाश को चुकते हुए भी नजर आ रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हिट एंड रन मामले की नवी तजवीजा के विरोध च हड़ताल कर रहे ड्राइवरों को समझाने दौरान एक ड्राइवर तो उसकी औकात पूछने वाले साजापुर के कलैक्टर किशोर कन्याल को हटा दिया गया। पूरे मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गंभीरता न लिया है। कलैक्टर को हटाने के हुक्म दिए। साजापुर के तत्काली कलैक्टर किशोर कन्याल ने चर्चा दौरान आपा गवा दिया। ड्राइवर पप्पू अहरवार ने कहा कि साड़ी हड़ताल तीन दिन तक है, इस तो बाद असं कुछ भी करांगे। कल कलैक्टर को नागवार गुजरी है तो तेज आवाज ड्राइवर को बोले की करोगे, तुम्हारी औकात की है। इससे ड्राइवर ने कहा कि साड़ी यही तो लड़ाई है कि साड़ी कोई औकात नहीं है। कलैक्टर की नाराजगी तो बाद ड्राइवर ने माफी मांगी। कमिश्नरेट पुलिस ने 31 दिसंबर की रात को बावा खेल नहर के पार डीएसपी दिलबीर सिंह देओल अर्जुन अवाडी के कतल केस में ट्रेस करते हुए दोषी ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिया। मुलजम की पछाण लामड़ा नेड़े पैंदे थाना सदर शमशेर के पिंड प्रतापपुरा के रहने वाले विजय कुमार वजो हुई है। सेल स्टाफ क्राइम ब्रांच के स्पैशल सैल दीमों वालों साझे तौर पर कतल केस में ट्रेस किया गया। डीएसपी के कतल केस सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिस में मुलजम ऑटो चालक साफ दिखाई दे। फिलहाल स्पीड न्यूज़ में बस इतना ही। मैनू दिओ इजाजत। धन्यवाद।